चलो प्यारे बच्चों, लेट स्टार्ट। आप सबको पता है बेटा, पिछले क्लास में हमने स्टार्ट किया था लॉ ऑफ मास एक्शन। अगर आपको याद है बेटा, आपको मैंने बोला था बेटा, अगर हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है, ए प्लस बी डॉट गिव्स प्रोडक्ट। आपको मैंने बोला है बेटा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन एट अ गिवन टेम्परेचर, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। मतलब कंसेंट्रेशन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ बी। आपको मैंने बोला बेटा, दिस कंसेंट्रेशन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज एक्टिव मास। मैंने आपको समझाया, इसी रिलेशन को हम कहते हैं बेटा लॉ ऑफ मास एक्शन। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन एट अ गिवन टेम्परेचर, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर यहां पर मेरे पास क्वेश्चन टू है, अगर यहां पर मेरे पास क्वेश्चन थ्री है बेटा, तो यहां आपको पावर लगाना है टू, यहां आपको पावर लगाना है थ्री बेटा। ये सारा मैंने आपको समझाया है। अब यहां पे आज हमें किसके बारे में पढ़ना है बेटा, यहां पे कॉन्स्टेंट निकल के आया था जिसको हमने नाम दिया था बेटा रेट कॉन्स्टेंट, जिसको हमने नाम दिया था बेटा वेलोसिटी कॉन्स्टेंट। देखो बेटा, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। देखो प्यारे बच्चों, अगर देखो बेटा, अब हम पढ़ेंगे बेटा, आपने हेडिंग लिखी थी, अगर आपको याद है आपने हेडिंग लिखी थी बेटा डेफिनेशन ऑफ की। चलो बेटा, इसके बाद मैं क्या करूं बेटा, मैं लिखूंगा कंसिडर ए रिएक्शन। मेरे पास एक रिएक्शन है बेटा, ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट according to law of mass action। अरे मैं लिखूं क्या बेटा, मैं लिखूं according to law of mass action, मैं लिखूं rate is directly proportional to what, शाबाश, concentration of A and concentration of B। उसके बाद बेटा इस proportionality constant को हम हटाते हैं, इसके बदले मैं एक कॉन्स्टेंट लिखता हूं बेटा, दैट इज के। उसी कॉन्स्टेंट को हम कहते हैं प्यारे बच्चों, तो मैं यहां पे लिखूं बेटा आर इज इक्वल टू के कंसेंट्रेशन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ बी। ये जो के आपका है बेटा, यही आपका है रेट। इसको लिखना बेटा, जहां पर आपने लिखा है ना बेटा डेफिनेशन ऑफ के, उसके बाद ये आपको लिखना है बेटा, कंसिडर ए रिएक्शन, ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। यहां पर ए और बी आपका बेटा रिएक्टेंट है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ बी। उसके बाद बेटा, अरे हमने क्या किया, हमने प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट को हटाया उसी और उसके बदले हमने लिखा बेटा के, और इसी के को हम कहते हैं बेटा रेट कॉन्स्टेंट, इसी के को हम कहते हैं बेटा वेलोसिटी कॉन्स्टेंट। अब इस के की डेफिनेशन क्या है, ध्यान से सुनना बेटा। अगर मैंने किया बेटा, देखो बेटा, आर इज इक्वल टू के कंसेंट्रेशन ऑफ ए आपका रिएक्टेंट है, कंसेंट्रेशन ऑफ बी आपका रिएक्टेंट है बेटा। अगर मैंने क्या किया बेटा, अगर मैंने कंसेंट्रेशन ऑफ ए और कंसेंट्रेशन ऑफ बी दोनों को रखा कॉन्स्टेंट, क्या रखा कॉन्स्टेंट, मीन्स दोनों की कंसेंट्रेशन मैंने ली बेटा 1 mole per liter, दोनों की कंसेंट्रेशन मैंने ली बेटा व्हाट 1 mole per liter। अगर मैंने कंसेंट्रेशन ऑफ ए और कंसेंट्रेशन ऑफ बी, मतलब वी हैव टेकन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, मैंने कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को रखा कॉन्स्टेंट। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को बेटा, समझ रहे हो ना, मैंने कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को रखा कॉन्स्टेंट,
कॉन्स्टेंट मीन्स दोनों की कंसंट्रेशन को मैंने रखा किसके बराबर, वन के बराबर। मुझे बता बेटा तो आर किसके बराबर होगा फिर बेटा, देन आर विल बी इक्वल टू के, है ना। कंसंट्रेशन ऑफ ए बी वन, कंसंट्रेशन ऑफ बी बी वन, दोनों की कंसंट्रेशन यूनिटी है, तो मुझे बताओ ये के क्या है। नाउ व्हाट इज के, के इज द रेट ऑफ ए रिएक्शन, अरे है ना, के इज द रेट ऑफ ए रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स इज कॉन्स्टेंट, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स इज टेकन एज यूनिटी। मतलब अगर आपको के डिफाइन करना है बेटा, आपको रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को रखना है कॉन्स्टेंट, आपको रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को रखना है यूनिटी, वन के बराबर। तो यहां पर मैं लिखूं बेटा, सो के इज डिफाइंड, यहां पर मैं बच्चों लिखूं बेटा, सो के इज डिफाइंड एज द, सो के इज डिफाइंड एज द, शाबाश शाबाश शाबाश, हाँ, रेट ऑफ ए रिएक्शन, रेट ऑफ ए रिएक्शन, रेट ऑफ ए रिएक्शन व्हेन, व्हेन शाबाश शाबाश, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स इज, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स इज टेकन एज, इज टेकन एज यूनिटी। या मैं कहूंगा बेटा, या व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स इज केप्ट कॉन्स्टेंट, तब हम कहते हैं बेटा के क्या है, के इज द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। मगर कब, मगर कब बेटा, शाबाश, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स इज केप्ट कॉन्स्टेंट, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स इज टेकन एज यूनिटी, तब हम कहेंगे बेटा के का, के किसके बराबर है, रेट के बराबर। अब आप कहेंगे सर अगर हम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को कॉन्स्टेंट नहीं रखेंगे बेटा, तो याद रखना बेटा उस वक्त आप के को डिफाइन नहीं कर सकते बेटा। के की डेफिनेशन तब वैलिड है जब आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेड और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को रखेंगे कॉन्स्टेंट। मुझे बता बेटा इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है बेटा, जो ये के है, K का वैल्यू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करता। आप कभी ये नहीं कह सकते बेटा, आप कभी ये नहीं कह सकते कि जितनी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा उतना K का वैल्यू ज्यादा, आप कभी ये नहीं कह सकते बेटा, क्योंकि हमने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को रखा कॉन्स्टेंट, तब हमने डिफाइन किया K को बेटा। तो यहां पर मैं एक पॉइंट लिखूं बेटा, यहां पर मैं एक खास पॉइंट लिखूं प्यारे बच्चों, यहां पर मैं एक खास पॉइंट लिखूं के वैल्यू ऑफ के डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इज दैट क्लियर और नॉट? क्या यहां तक सबको क्लियर हो बेटा? क्या यहां तक सबको क्लियर हो बेटा? आरिश, आरिश सबको क्लियर हुआ? आरिश सबको क्लियर? सबको क्लियर? सबको क्लियर? सबको क्लियर बेटा? यहां तक सबको क्लियर? सबने लिखा? सबने आंसर दिया? सबने जवाब दिया बेटा? सबने लिखा? अरे प्यारे बच्चों सबको क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ बेटा? सबको क्लियर हुआ? मैं फिर से बताऊंगा बेटा, मैं फिर से बताऊंगा। आज हमें डिफाइन करना था कि, याद रखना बेटा, मैंने एक रिएक्शन ली ए प्लस बी की, उस प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बी। ये तो क्लियर है, ये तो लॉ ऑफ मास एक्शन है ना, ठीक सुना घबरा? तो फिर मैंने प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट को हटाया, इसके बदले लिखा के। याद रखना बेटा सिंपल बात। तो अब हमें के को डिफाइन करना है। मैंने क्या किया बेटा, मैंने कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को मैंने रखा कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट मीन्स यूनिटी के बराबर, वन मोल पर लीटर के बराबर। तो जब कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी वन के बराबर है, मुझे बताओ रेट किसके बराबर होगा? रेट तो के बराबर होगा ना बेटा। नाउ अब आपको के डिफाइन करना है, तो व्हाट इज के, के क्या है? के इज डिफाइंड एज रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन।
के तो रेट ऑफ रिएक्शन है ना बेटा, के क्या है रेट ऑफ रिएक्शन, मगर कब, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स इज टेकन एज यूनिटी और कॉन्स्टेंट। तो सिंपली आप याद रखिएगा बेटा, जब आपको किसी रिएक्शन का के डिफाइन करना होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को आपको रखना है कॉन्स्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को आपको रखना है बेटा यूनिटी के बराबर, तब आप के को डिफाइन कर सकते हो बेटा। तो के क्या है, नथिंग, के इज द रेट ऑफ ए रिएक्शन, के इज द अदर नेम ऑफ रेट, मतलब के रेट का एक और नाम है बेटा, मगर कब, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज टेकन एज यूनिटी। क्या यहां तक सबको क्लियर हुआ बेटा, क्या क्लियर है सबको प्यारे बच्चों, क्या सबको क्लियर है, आरिश सबको क्लियर है, जिसने बोला था रिपीट करने के लिए उसको क्लियर है, जल्दी बोलो बेटा, जल्दी बोलो, शाबाश शाबाश, सबको क्लियर, सबको क्लियर, सबको क्लियर। मैं आगे बढ़ूं प्यारे बच्चों, मैं आगे बढ़ूं, शाबाश, मैं आगे बढ़ूं बेटा, सबको क्लियर, सबको क्लियर, मैं आगे बढ़ूं, मैं आगे बढ़ूं बेटा, चलो बेटा। तो यहां एक पॉइंट आपको नोट में लिखना है कि वैल्यू ऑफ के जो है ये कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि के रेट के बराबर तब निकला व्हेन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज कॉन्स्टेंट, मतलब वैल्यू ऑफ के कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है। हम नहीं कह सकते बेटा जितनी कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा उतना के का वैल्यू ज्यादा, नो हमें नहीं कह सकते बेटा। सर क्यों नहीं कह सकते बेटा, क्योंकि हमने तो के तब डिफाइन किया है जब हमने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को रखा कॉन्स्टेंट। तो यहां पे लिखना है नोट में आपको लिखना है बेटा, वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट में आपको लिखना है वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ के डज नॉट, वैल्यू ऑफ के डज नॉट डिपेंड, डज नॉट डिपेंड ऑन व्हाट, शाबाश शाबाश शाबाश, ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। बेटा वैल्यू ऑफ के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि हम के तब डिफाइन करते हैं जब हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को रखते हैं बेटा कॉन्स्टेंट। ठीक है बेटा, चलो बेटा अब इसके बाद लिखिए आप फीचर्स ऑफ के, के हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है, याद रखना बेटा फीचर्स ऑफ के, शाबाश, फीचर्स ऑफ के, फीचर्स ऑफ के लिखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, फीचर्स ऑफ के बारे में आपको जानना है बेटा, फीचर्स ऑफ के। पहला पॉइंट के बारे में आपको याद रखना है, अरे आपने अभी कहा, आपने अभी कहा बेटा, अरे प्यारे बच्चों आपने तो अभी कहा ना रेट इज इक्वल टू के, तो के इज व्हाट, के इज द रेट ऑफ रिएक्शन, के इज द इंडिकेशन ऑफ रेट, जितना के का वैल्यू ज्यादा, जितना किसी रिएक्शन का के का वैल्यू ज्यादा उतनी रेट ज्यादा, जितना के का वैल्यू कम उतनी रेट कम। तो यहां पे मैं लिखूंगा बेटा पहला पॉइंट, के इज द, पहला पॉइंट लिखेंगे आप के इज द इंडिकेशन ऑफ, के इज द इंडिकेशन ऑफ रेट ऑफ अ रिएक्शन, के इज द इंडिकेशन ऑफ रेट ऑफ अ रिएक्शन हायर द, सही बात है बेटा, हायर द वैल्यू ऑफ के, हायर द वैल्यू ऑफ के, हायर इज द, हायर द वैल्यू ऑफ के, हायर इज द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, हायर द वैल्यू ऑफ के, हायर इज द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। अगर किसी रिएक्शन का बेटा के का वैल्यू ज्यादा उसकी रेट होगी ज्यादा, अगर किसी रिएक्शन का के का वैल्यू कम होगा बेटा उसकी रेट होगी कम। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी, क्लियर, सबने लिखा सजाद, क्लियर 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 क्लियर, सबने लिखा बेटा, क्लियर क्लियर, सबने लिखा, सबने लिखा, क्लियर क्लियर, शाबाश, क्लियर क्लियर, शाबाश, सबने लिखा, सबने लिखा बेटा, सबने लिखा,
चलो बेटा पॉइंट नंबर टू के बारे में पॉइंट नंबर टू याद रखिएगा बेटा। बेटा आपको पता है बेटा, दुनिया में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस है और हर किसी रिएक्शन का अपना अपना के का वैल्यू होता है। के कांस्टेंट है, इट इज कॉल्ड एज रेट कांस्टेंट। के आपको इंफॉर्मेशन देगा अबाउट द रेट। दुनिया में जो भी रिएक्शंस है सब रिएक्शंस की रेट तो सेम नहीं है ना बेटा। तो जब सब रिएक्शंस की रेट सेम नहीं है तो सब रिएक्शंस का के का वैल्यू सेम नहीं होगा। तो याद रखना बेटा, हर किसी रिएक्शन का अपना अपना के का वैल्यू होता है। जिस रिएक्शन का के का वैल्यू ज्यादा होगा उसकी रेट ज्यादा, जिस रिएक्शन का के का वैल्यू कम होगा उसकी रेट कम। तो दूसरा पॉइंट मैं लिखूंगा बेटा, every reaction has its own value of k। पॉइंट नंबर थ्री, हर किसी रिएक्शन का बेटा अपना अपना के का वैल्यू होता है। प्यारे बच्चों, हर किसी रिएक्शन का अपना अपना के का वैल्यू होता है और जिस रिएक्शन का के का वैल्यू ज्यादा होगा उसकी रेट होगी बेटा ज्यादा, जिस रिएक्शन का के का वैल्यू कम होगा बेटा उसकी रेट होगी कम। पॉइंट नंबर थ्री अबाउट के, अभी मैंने कहा बेटा ये के क्या है, के तो रेट है मगर कब, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स इज टेकन एज कांस्टेंट, when concentration of all the reactants is taken as unity। तो इसका मतलब यह है बेटा, वैल्यू ऑफ के याद रखना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। value of k does not depend on concentration of reactants, बेटा k का value concentration of reactant पे डिपेंड नहीं करता है। सर क्यों नहीं करता है, क्योंकि हमने कहा k is the rate of a chemical reaction when concentration is constant, concentration must be constant तब आप k को define कर सकते हो। अब सवाल है value of k किस पे डिपेंड करता है बेटा, याद रखना प्यारे बच्चों, लिखिए आप value of k। अगर आपको value of k चेंज करना है तो क्या करना है, याद रखना बेटा वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स ऑन, जो ये के का वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों, डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, शाबाश, वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स ऑन कैटलिस्ट एटसेट्रा। चलो बेटा याद रखिएगा बेटा, प्यारे बच्चों के का वैल्यू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता है। याद रखना बेटा, अगर आपने कभी कहा मैंने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को इंक्रीज किया, मैंने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डिक्रीज किया, प्यारे बच्चों याद रखना वैल्यू ऑफ के पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैल्यू ऑफ के डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बट वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स ऑन व्हाट, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। याद रखना इस बात को बेटा। पॉइंट नंबर फोर के बारे में पॉइंट नंबर फोर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। अब पॉइंट नंबर फोर बेटा, देखो बेटा पॉइंट नंबर फोर, मुझे बताओ अगर मेरे पास ये रिएक्शन है ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, सर अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को रखेंगे कॉन्स्टेंट,
तब रेट किसके बराबर होता है? के बराबर, देन के इज इक्वल टू रेट। मुझे बता बेटा, अगर मुझे इस रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करना होगा, क्या मुझे कंसंट्रेशन को चेंज करना होगा? नो। जब आप के को डिफाइन करोगे बेटा, आपको कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है उसको रखना है कॉन्स्टेंट। मगर इस रिएक्शन की रेट को मैं इंक्रीज कर सकता हूं बाय टेम्परेचर, आपने पीछे पढ़ा है। मुझे बताओ बेटा, अगर मैं इस रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज करूं, प्यारे बच्चों रेट इंक्रीज होगा। जब रेट इंक्रीज होगा तो वैल्यू ऑफ के भी बढ़ेगा ना बेटा, रेट और के में डायरेक्ट रिलेशन है ना। तो इसका मतलब यह है बेटा, जितना टेम्परेचर ज्यादा उतनी रेट ज्यादा, उतना के का वैल्यू ज्यादा। समझ आया ना बात? तो के का वैल्यू डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो जितना टेम्परेचर ज्यादा, पीछे पड़ा है ना आपने बेटा, उतनी रेट ज्यादा और के का वैल्यू भी ज्यादा होगा। जितना टेम्परेचर कम, रेट कम, के का वैल्यू कम। तो यहां पर मैं लिखूंगा बेटा, हायर द टेम्परेचर, याद रखना बेटा, हायर द टेम्परेचर हायर इज द, वेरी इंपॉर्टेंट, हायर द टेम्परेचर हायर इज द वैल्यू ऑफ के। याद रखना बेटा, के जो है, के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। पॉइंट नंबर 5, मुझे बता बेटा, अगर मैंने टेम्परेचर को भी रखा कॉन्स्टेंट, तो एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर वैल्यू ऑफ के भी रहेगा ना कॉन्स्टेंट बेटा। अगर आपने टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखा तो के का वैल्यू भी रहेगा कॉन्स्टेंट। तो यहां पर मैं लिखूंगा बेटा, एट कॉन्स्टेंट, ध्यान से सुनना बेटा, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर वैल्यू ऑफ के रिमेन्स कॉन्स्टेंट। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर बेटा वैल्यू ऑफ के रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो ये थे बेटा कुछ पॉइंट्स, ये थे कुछ पॉइंट्स अबाउट के बारे में मैं कुछ पॉइंट्स बोल रहा था बेटा। अब आप कहेंगे सर के का यूनिट क्या है? प्यारे बच्चों, जो के है, के का यूनिट डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन पे। अभी हमने ऑर्डर नहीं पढ़ा, इसलिए मैं के यूनिट के बारे में आपको मैं नहीं बताऊंगा बेटा। इज दैट क्लियर? ये हमारा हो गया लॉ ऑफ मास एक्शन कंप्लीट, ये हमारा हो गया के बारे में कंप्लीट। मैं फिर से जल्दी जल्दी रिवाइज करूंगा बेटा। पहले मुझे बताओ, यहां तक सबको समझ आया बेटे? बेटा यहां तक सबने समझा? जल्दी बोलो, शाबाश, क्लियर सबको? क्लियर सबको? क्लियर सबको? क्लियर आरेश? आरेश सबको क्लियर? सबको क्लियर? क्या किसी से मैं क्वेश्चन पूछूं बेटा? क्या किसी से मैं क्वेश्चन पूछूं? क्या मैं किसी से क्वेश्चन पूछूं बेटा? आर यू रेडी? आर यू रेडी बेटा? आर यू रेडी? अरे कुछ तो बोलो बेटा। एवरीवन इज रेडी? ओके ओके, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। ये हमारा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट बेटा, लॉ ऑफ मास एक्शन। मैं इसको जल्दी जल्दी रिवाइज करता हूं बेटा, ठीक है बेटा? मैं इसको जल्दी जल्दी रिवाइज करता हूं। ये लॉ ऑफ मास एक्शन है क्या? के क्या है? के किस पे डिपेंड करता है? के किस पे डिपेंड नहीं करता है बेटा? नाउ वी विल डिफाइन, नाउ वी विल रिवाइज लॉ ऑफ मास एक्शन। सपोज वी हैव अ केमिकल रिएक्शन ए ए प्लस बी बी, दैट गिव्स प्रोडक्ट। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन एट अ गिवन टेम्परेचर, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, कंसेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव एग्जाम्पल, इफ वी हैव रिएक्शन ट्वाइस ए प्लस थ्री टाइम्स बी गिव्स प्रोडक्ट, देन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू पावर टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी
raised to power 3. Now we will remove the proportionality constant and we will write K. Concentration of A raised to power A, concentration of B raised to power B. And I have told you that this square bracket of A, square bracket of A means that concentration of A, square bracket of A means active mass of A, square bracket of A means active mass of A, square bracket of A means number of shabash means number of moles of A per liter, or we can say it as molarity. Is that clear to everybody? Yes. Chali. Now look here. And we know that this K is known as rate constant. I have already told you this K is known as rate constant. Clear? Or it is also called as velocity constant. This is called as rate constant, or it is called as velocity constant. Now we will define K. Now look here. We will define K. What is the definition of K? What are the features of K? Yeh main revise kar raha hoon beta. Revise. Aapne padha. Now, definition of K. If we have to define the K, Let us take the example of a reaction. A plus B gives product. According to, look here, Shabash. According to law of mass action, rate is directly proportional to concentration of A, directly proportional to concentration of B. This proportionality constant is removed and we will write R is equal to K concentration of A multiplied by concentration of B. Now you have to define this K. Yaad rakhna beta, yaad rakhna. Remember this point. When you have to define the K, then concentration of all the reactants, then concentration of all the reactants must be taken as unity, must be constant. So if concentration of A is equal to concentration of B is equal to 1, so we can say that R is equal to K. So K can be defined as rate of a chemical reaction. Is that clear? Yes. K can be defined as what? Rate of a chemical reaction. K can be defined as rate of a chemical reaction. But when concentration of all the reactants is constant, K reaction ka rate hai beta, magar kab? Jab concentration of reactant aap rakhenge beta constant, matlab jab concentration of reactant aap rakhenge beta 1 ke barabar, unity ke barabar, matlab constant, matlab K is defined when concentration of all the reactant is kept constant or equal to 1. So K is the rate of the reaction when concentration of all the reactants is taken as unity. So K ka value concentration of reactant pe depend nahi karta. Value of K does not depend on what? Concentration of reactants. Is that clear to everybody? Yes. Now uske baad maine aapko K ke bare mein kaha, K ke points ke bare mein aapko maine kaha beta, K ke points ke bare mein aapko maine kaha. Kya yahan tak sabko clear hai? क्लियर है सबको? अरे सबको क्लियर है? एवरीवन शाबाश, एवरीवन फंटास्टिक वंडरफुल, शाबाश. क्लियर. क्या किसी बच्चे को रिपीट करना है फिर से बेटा? मुझे बोलो. क्लियर सबको क्लियर. फंटास्टिक वंडरफुल, शाबाश. सबको क्लियर. मैं सवाल बोलूंगा बेटा,
मैं एक सवाल बोलूंगा बेटा, आप मुझे इसका जवाब देना। मुझे बता बेटा, अगर मैं कहूं हायर द वैल्यू ऑफ के, अगर मैंने कहा हायर द वैल्यू ऑफ के, बोलो इसके बाद क्या लिखूं मैं बेटा। यस yes.